नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज की इस नई वीडियो में। अब खबर पीएमसी बैंक से निकल कर आ रही है। आपको बता दें, यहाँ पर पीएमसी बैंक में 30 जून तक पर जो खाते हैं उन पर रोक लगा दी गई है, पर यहाँ पर क्या जो नियम है वो एग्जैक्ट बताने जा रहा हूँ। दोस्तों आपको बता दें, अगर आपका भी खाता पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पीएमसी बैंक में है तो अपने खाते से तय लिमिट से ज़्यादा आप पैसे नहीं निकाल सकते। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पंजाब एवं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर लगा प्रतिबंध 30 जून तक बढ़ा दिया है। यह सरकारी बैंक के खाते से पैसे निकालने पर आरबीआई ने लिमिट तय की है और इसी के साथ तय लिमिट से आप ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकते। दोस्तों आपको बता दें, सितंबर 2019 में रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक के बोर्ड को भंग कर दिया था और बैंक को नियमित अंकुशों के तहत डाल दिया था। इनमें बैंक के ग्राहकों द्वारा अपने खातों से निकासी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। दोस्तों आपको बता दें, पीएमसी बैंक में कुछ निवेशकों ने अपने पुनर्गठन के लिए पेशकश की है। इसके बारे में बैंक 3 नवंबर 2020 को जो ईओआई है वो निकाला था। केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा है कि आरबीआई और पीएमसी बैंक इस समय कई संभावित निवेशकों से बात कर रहे हैं ताकि बैंक के जमाकर्ताओं और अन्य अंशधारकों की दृष्टि से सर्वोत्तम संभावित जो है वो है शर्तें हासिल की जा सके। साथ ही रिजर्व बैंक ने कहा है कि पीएमसी बैंक की वित्तीय स्थिति तथा प्रक्रिया की जटिलता को देखते हुए इसमें कुछ और समय लगने की संभावना है। आपको बता दें, पीएमसी बैंक के खाता धारक अपने खाते से केवल 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा रकम निकालने के लिए उन्हें केंद्रीय बैंक से परमिशन लेनी पड़ेगी। आरबीआई ने 20 जून 2020 को जमाकर्ताओं के लिए नकद निकासी की सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया था और 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया था। इसके पहले आरबीआई ने 5 जून 2019 को निकासी की सीमा प्रति जमाकर्ता बढ़ाकर 50,000 रुपये की थी। तो यह है सारा हिसाब किताब पीएमसी बैंक का। बाकी जितनी भी रिलेटेड अपडेट होगी आरबीआई से पीएमसी बैंक को लेकर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडियन गुरु, में हूँ आपका दोस्त नायक। मिलता हूँ नेक्स्ट वाली जानकारी के साथ। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।